और गेहूं तो बहुत ही कम खा रहे हैं। बाकी के देखिए अपने पास दोस्तों येलो कितने बेहतरीन जोड़े, फिर हमने इसे तोड़ दिया। ये सब सारी ईंटों को हमने तोड़ा हुआ है, ये पूरा इस तरीके से तोड़ देना है। सो ये है दोस्तों अपना मास्टर केज और इसके साथ ही में दोस्तों अपना रूम जिसमें हम रहते हैं और इसके साथ है दोस्तों अपने सारे ढेर सारे कबूतर। और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा इसके जस्ट सामने दोस्तों बनना है एक और लॉफ्ट जिसका भी नाम आप लोगों को सजेस्ट करना है और बहुत ही एग्रेसिव अपना सुल्तान ये देखिएगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आइएगा दोस्तों अभी अपने सारे कबूतरों को दोस्तों खोलते हैं, अभी शाम का टाइम है तो फटाफट से सारे कबूतरों को खोलते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी बातें जो अभी आप लोगों को बतानी है और अपने पहले कबूतरों को खोल लेते हैं। देखिएगा सो फाइनली दोस्तों अपने सारे कबूतर अभी बाहर आ चुके हैं। तो उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, फटाफट से दाना पानी कराते हैं इनको। और वो देखिएगा अभी ओल्ड वाले लोफ्ट के भी दोस्तों सारे कबूतर खुल चुके हैं, तो अभी इनको दाना पानी जो कराते हैं फटाफट से, तो डाल देते हैं पहले। और ये देखिएगा दोस्तों अपने लक्के की पूछ काट दी है इस तरीके से ब्रीडिंग के लिए। ये देखिएगा दोस्तों अपने सारे कबूतर बहुत ही प्यार से भी दाना खाने लगे हैं। और ये सब देखिएगा कितना प्यारा अपना सेटीनेट का जोड़ है, जो कि देखिएगा एक जोड़े अपने पास दोस्तों अभी और ढेर सारे जोड़ लाने वाले सेटीनेट के। और उसके बाद दोस्तों एक मेरा दाग पटेत वो जा रहा है उधर साइड में। और दोस्तों अभी ये जो इधर एक साइड में बनना है तो वो क्या बनना है दोस्तों उसके बारे में भी लास्ट में पूरा कुछ बताने वाले आपको। ये देखिएगा अपनी पूरी छत पे भी देखिएगा काम चल रहा है, यहाँ पर ये मोरंग पड़ी हुई है, उधर देखिएगा कुछ कबूतर गए हैं और उधर लॉफ्ट बन रहा है, उसको उसमें क्या रखना है दोस्तों वो सभी कुछ बताने वाले हैं आपको। देखिएगा वहाँ पर दोस्तों धान की एक पैकेट पड़ी हुई है, तो अभी अपने सारे कबूतर उस धान पे जा रहे हैं ज्यादातर। और गेहूं तो बहुत ही कम खा रहे हैं। बाकी के देखिए अपने पास दोस्तों येल्लो कितने बेहतरीन जोड़े, ये देखिएगा बहुत ही अच्छे कबूतर है जिनको पैमोज है येल्लो। और इसके पीछे देखिएगा सुल्तान का पहला पट्टा बैठा हुआ है, वो ऊपर भाग गया, उसका भी यूनिक कलर है एकदम। इसके बाद दोस्तों अपने कबूतर देखिएगा मोरंग भी खा रहे हैं, ये देखिएगा एक पट्टा बहुत ही शौक से मोरंग खा रहा है। और ये एक जोड़ है जो कि अंडे पर है, और वो दोस्तों अपना पटेत वाला जोड़ आप लोग देखिएगा ये भी अंडे रखने पर है, क्योंकि देखिएगा नर इसको दौड़ाए हुए चला जा रहा है फटाफट से। और एक लाल वाला जोड़ है वो भी दोस्तों अंडे रखने वाला है, क्योंकि उसकी भी नर उसकी मादिन को दौड़ा रहा है, ये देखिएगा बहुत ही स्पीड में दौड़ा रहा है। तो इसके बाद दोस्तों अपने सुपर लॉफ्ट के अंदर की कुछ अपडेट देते हैं आपको। ये देखिएगा दोस्तों अपने सुल्तान के पास जो एक बेबी निकला हुआ है वो भी दिखाते हैं। ये देखिएगा अपना सुल्तान यहाँ पे बैठा हुआ है। ओह, हट जा बेटा, हट जा। ओह तेरी, ये देखिएगा कितना बेहतरीन दोस्तों टेक केयर करते हैं। ये देखिएगा इसके पास एक बेबी है, इसी वजह से देखिए कितना दिक्कत कर रहा है। एक बार हट जाए तो फिर दिखाते हैं। हट जा बेटा सुल्तान, ये आ गया। ये देखिएगा दोस्तों इसका बेबी कितना अच्छे से इसका पोटा भराया हुए है फुल, और बहुत ही एग्रेसिव है अपना सुल्तान। ये देखिएगा किस तरीके से दोस्तों मारने की कर रहा है, बहुत ही एग्रेसिव है अपना सुल्तान। तो अभी इसको रख देते हैं। सो फाइनली दोस्तों अभी उसको रख दिया। और इसके पास देखते हैं दोस्तों अपनी गजनी वाली जो गर्दन तोड़ में फीमेल है, ये देखिएगा इसके पास एक अंडा था दोस्तों, इसमें बच्चा निकला या नहीं निकला है एक बार इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा उठा लिया है आपको, इसमें दोस्तों बच्चा निकलने वाला था मगर अभी तक नहीं निकला है, देखते हैं क्या वजह हुई है। अंडे भी सही है दोस्तों फिर भी नहीं निकला है, इसको रख देते हैं, पता नहीं उसमें हमें लगता है अंडा इनफर्टाइल हो गया है। ये देखिएगा गर्दन तोड़ में फीमेल है फिर भी ब्रीडिंग करती है अपने वहाँ पे। और ये देखिएगा दोस्तों निसावरे वाले ने अंडे रख लिए हैं, जोड़ा लगाने वाली पेटी जो बनाई थी इसको भी बनाने का जो वीडियो है दोस्तों वो हमने डाला हुआ था अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर अभी देख सकते हो आप लोग, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये देखिएगा ये इस पेटी के अंदर एक अंडा आ चुका है निसावरे वालों का। इसके बाद देखिएगा लक्के वाले भी जोड़ में कुछ नहीं है। और दोस्तों अपने पास जो सबज वाला जोड़ था उसके पास देखिएगा कितना प्यारा कबूतर निकला है बच्चा, जो कि निकला हुआ है कोटीदार। ये देखिएगा बहुत ही प्यारा बच्चा है दोस्तों, देखिए पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिएगा बहुत ही अच्छा बच्चा है, ये देखिएगा पूरा व्हाइट है दोस्तों, सिर्फ इसकी जो बाजू है वो ब्लैक है और पूरा व्हाइट है, पंजे से लेकर के दोस्तों मुंडी तक फुल व्हाइट है। तो चलिए इसको छेड़ते नहीं है क्योंकि इसके माँ बाप आए नहीं तो वो काफी ज्यादा डर जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों भी दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। यहाँ पर देखिएगा ये पूरा जोड़ निकला हुआ है बहुत ही प्यारे कलर में दोस्तों, लाल है तो आप लोग अच्छे से देखिएगा एक बार, बहुत ही बढ़िया कलर है और काफी अच्छी ग्रोथ है इन बच्चों की भी। और उधर ये देखिएगा येल्लो वाला अपना जो कबूतर है इसके पास भी दो बच्चे हैं, वो बच्चे दोस्तों बाद में दिखाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं सारे कबूतर किस तरीके से पूरी छत के ऊपर बैठे हुए हैं, ये देखिएगा जैसे ही हम निकले। तो अभी दोस्तों बहुत ही अच्छा मौसम है, एक बार अपने कबूतरों की फड़क लगवाते हैं, सारे कबूतरों को उड़ाएंगे, देखिएगा जो परकटे हैं वो नहीं उड़ेंगे। वो देखिएगा दोस्तों कम से कम 30 से 40 कबूतर उड़ चुके हैं। ये देखिएगा बहुत ढेर सारे कबूतर उड़ गए हैं, ये सारे कबूतरों के दोस्तों इतने के पर कटे हुए हैं, देखिएगा सेटीनेट वगैरह हो गए जो भी कुछ कबूतर है। और बाकी के अपने कबूतर उड़ रहे हैं अभी ऊपर, वो देखिएगा तीन के ऊपर भी बहुत दोस्तों बहुत ही कबूतर है। तो सारे कबूतरों को दोस्तों उड़ा दिया और इसके बाद दोस्तों अभी दिखाते हैं आपको इस लॉफ्ट के बारे में बताएंगे। ये देखिएगा कभी दाना मार के सारे कबूतरों को पहले बुला ले, ये रहा अपना दाना। आओ देखिएगा दोस्तों इसमें से जो गोला कबूतर है वो तो फटाक से आ जाएंगे, हाई फ्लायर थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं। आओ 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 आहिस्ते आहिस्ते अपने हाई फ्लायर भी गोला बन जाएंगे ऐसे। आओ 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 आओ
ये देखिएगा सारे कबूतर दोस्तों अभी फिर से उतरने लगे हैं और अभी बाकी के सारे कबूतर यहीं पर हैं। सो ये है दोस्तों अपना मास्टर केज और इसके साथ ही में दोस्तों अपना रूम जिसमें हम रहते हैं और इसके साथ है दोस्तों अपने सारे ढेर सारे कबूतर। और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा इसके जस्ट सामने दोस्तों बनना है एक और लॉफ्ट जिसका भी नाम आप लोगों को सजेस्ट करना है। सो देखिएगा दोस्तों अभी हमने एक नया लॉफ्ट बनवाना शुरू किया था और इसमें दोस्तों कौन सी चीज लाने वाले वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बताते आइएगा इधर, ये देखिएगा हमने दोस्तों इसकी चौड़ाई इसकी दोस्तों 9 फीट थी और लंबाई थी दोस्तों ऐसे ऐसे 6 फीट। और उसके बाद दोस्तों हमने क्या सोचा कि इतना बड़ा बन जाएगा जो कि अपने सुपर लॉफ्ट के तरीके से ही बनेगा, तो फिर दोस्तों उसमें कौन सा बर्ड रखेंगे हमको कोई इतना आइडिया नहीं था, तो इसी वजह से हमने सोचा कि नहीं दोस्तों इसको तोड़ देते हैं दोबारा से। तो फिर हमने इसको देखिएगा यहाँ पर ये इतना सब उड़ गया था, फिर हमने इसे तोड़ दिया, ये सब सारी ईंटों को हमने तोड़ा हुआ है, ये पूरा इस तरीके से तोड़ देना है क्योंकि दोस्तों हमें बहुत ही मजबूत हो गया 2 दिनों के अंदर। कोई नहीं दोस्तों इसको सबको तोड़ देंगे। और यहाँ पर दोस्तों अब हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके से कि ये जो पक्का है दोस्तों इसको थोड़ा सा पीछे लेंगे यहाँ से और इतना लेंगे दोस्तों, तो ये इतना पूरा बड़ा जैसे कमरे टाइप में नहीं बनवाएंगे। उसके बाद क्या करने वाले हैं दोस्तों हम 5x5 का छोटा सा एक लॉफ्ट बनवाएंगे जिसकी हाइट थोड़ी सी ऊँची कर देंगे और अच्छा सा एक प्यारा सा गेट रखेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे 5x5 का एक हो जाएगा, फिर 5x5 का एक हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों 5x5 का इधर एक पीछे भी हो जाएगा इसके जस्ट पीछे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास दोस्तों 3 केज हो जाएंगे बहुत ही अच्छे जो 5x5 के हो जाएंगे। और जो बड़ा वाला केज रहेगा वो तो अपना देखिएगा इधर, ये अपना सुपर लॉफ्ट है वैसे भी। तो अब इन दोस्तों 5 केज हो जाएंगे छोटे छोटे जो अब 3 केज हो जाएंगे। और उसके बावजूद अपना ओल्ड वाला लॉफ्ट है जिसमें ऑलरेडी लगभग 20 से 30 जोड़ रहते हैं, यानी कि दोस्तों 60 से 70 कबूतर उसमें ऑलरेडी रहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों क्या करना है जैसे यहाँ पे अभी एक पूरा बनाते हैं तो इसमें हम दोस्तों क्या रख सकते हैं बजरी कॉकटेल लवबर्ड और भी कुछ परिंदे रख सकते हैं, लेकिन उनकी आपस में बहुत ही ज्यादा फाइट होती तो फिर बिगड़ जाता सारा खेल। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं इधर पास आइएगा, ये देखिएगा जब भी 5x5 का बहुत ही बढ़िया सुंदर सा लॉफ्ट बनाएंगे उसमें दोस्तों हम 10 पेयर बजरी आराम से छोड़ सकते हैं। उसके जस्ट लगे में यहाँ पे दोस्तों 10 पेयर डब होती है दोस्तों जो कबूतरों की तरीके से होती है डब छोड़ सकते हैं क्योंकि उनका सा एक सुंदर सा लॉफ्ट बनाएंगे। उसके बगल में दोस्तों हम लोग एक थोड़ा सा कॉकटेल वगैरह हो गया लव बर्ड हो गया, उसके बगल में रेबिट हो गया और बहुत सारी जो दोस्तों अपने पेट्स में हर चीज लाने वाले हैं यहाँ पर। तो उसके ऊपर दोस्तों अगर हम बनाएंगे तो फिर बहुत अच्छा सा एक जाल लगाएंगे दोस्तों जिसके ऊपर सारे कबूतर आने वाले हैं, तो बहुत ही प्यारा बन रहा है दोस्तों। अब बहुत ही जल्द ही बनवाने वाले हैं क्योंकि दोस्तों अभी हमने मिस्त्री को रोक दिया था, ये देखिएगा क्योंकि इसको मैं तोड़ना पड़ा क्योंकि इतना बड़ा मैं नहीं बनवाऊंगा, तो क्योंकि अब छोटे छोटे दोस्तों बहुत सारे लॉफ्ट बनवाने अपने छतों के ऊपर। तो चलिएगा दोस्तों आज की वीडियो में हमने यही बताना था आप लोगों को कि कौन कौन से बर्ड हमको लेके आने हैं। और अभी अपने सारे कबूतर देखिएगा दाना पानी कर चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को क्या करना है अपनी वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और आप लोग कमेंट में बताना है कि अब हमको दोस्तों कौन कौन से बर्ड लेके आने हैं, का फेवरेट जो पेट्स है दोस्तों वो क्या रहने वाला है। और दोस्तों अपना जो डॉग है साइको उसको भी दोस्तों बहुत ही जल्द दोस्तों कोशिश करेंगे कि वो भी अपना सुपर लॉफ्ट के जस्ट यहीं पर उसका भी कोई छोटा सा घर होगा तो बहुत ही अच्छे से प्रॉपर सा मेंटेन करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि ढेर सारी जो वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बारे में टेक केयर, जय हिंद जय भारत।